दोस्तों, क्या कभी आपने लौकी के छिलके की सब्ज़ी ट्राई की है? ये देखने में जितनी ज़्यादा यूनिक लगती है खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है, और इसे बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से आप लौकी की सब्ज़ी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक अंदर का पार्ट, जो कि हम जिसकी सब्ज़ी नॉर्मली बनाते ही हैं, बाकी इसके छिलके की सब्ज़ी। एक बार आप बना के खाओगे तो कभी भी इसके छिलके फिर फेंकोगे नहीं। आपको सबसे पहले लौकी के छिलके इस तरीके से मोटाई में कट करने हैं, थोड़े से मोटे। आपको लौकी का भी थोड़ा सा हिस्सा छिलके के साथ लेना है। इस तरीके से काट लें। अंदर वाला भाग आप रायता या सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम सभी के घर पे लौकी जिस भी तरीके से यूज़ होती है, आप उस तरीके से बीच वाले हिस्से को यूज़ कर लें। छिलके की सब्ज़ी जब भी बनानी हो घर में, अगर जैसे 2 से 3 लौकी हो, ढेर सारे छिलके इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने छिलकों को इस तरीके से लंबाई में और थोड़ी सी मोटाई के साथ काट लिया है। बीच वाले हिस्से की मैं अलग सब्ज़ी बनाऊंगी। आज मैं सिंपल छिलके की सब्ज़ी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको पतला पतला आपको इस तरीके से काट लेना है। इसी तरीके से हम बाकी के भी काट लेंगे। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। इसे ट्राई करने के लिए आपको एक बार बना के इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका भी टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी ये बन के निकलती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से छिलकों को मैंने काट लिया है बारीक। फिर इसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सभी के घर में जो नॉर्मल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, उसी के साथ मैं बता रही हूँ। एक कढ़ाई में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। आप वैसे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के जितना जीरे का तड़का, आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्ची। इसके बाद आपको डाल देना है 1/4 छोटा चम्मच के जितना हींग का तड़का और 2 बारीक कटे हुए प्याज। फाइनली चॉप कर लें आप इसे। प्याज डालने के बाद थोड़ी देर तक हमें भूनना है, ताकि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से सुनहरे हो जाएं, उतना हम भूनेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी बनाने का मैंने एक और तरीका बताया है, जिसमें मैंने बिना मसालों के बनाए हैं। सूखी सब्ज़ी होती है, वो भी एक तरीके से स्टिर फ्राई लौकी के छिलके की सब्ज़ी होती है। अगर आपको वो सिंपल बिना मसालों वाली लौकी के छिलके की सब्ज़ी देखनी है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। आज फ़िलहाल मैं मसालों के साथ बता रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे वापस से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच के जितना हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने डाला। आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, और आधा छोटा चम्मच के जितना गरम मसाला डाल दिया मैंने। बस मसालों को एक बार अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल सकते हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच के जितना इसमें पानी भी डाल सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आकार के टमाटर को बारीक चॉप करके रखा है। आप कद्दूकस करके भी रख सकते हैं, उसके प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद आप इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक दें, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाएं। इसके बाद हमारे मसाले का कलर बहुत अच्छा निकल के आएगा। बट उसके पहले मैंने नमक डाल दिया है अंदाजे से। नमक वाला स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं सब्ज़ी डालने के बाद, लेकिन मैंने इसी पॉइंट पे कर दिया है क्योंकि टमाटर को गलाने में आसानी होगी। अब इसे हम ढक देंगे। उसके पहले मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी चटपटी बन के निकले। आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने चाट मसाला डाला। चाट मसाले वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया। ये देखिए मसालों में कितना अच्छा कलर आ गया है। एक बार फिर से चला लेंगे और टमाटर भी सॉफ्ट पड़ चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे अपनी कटी हुई लौकी के छिलके, और एक बार अच्छे से सारी चीज़ें मिला देंगे। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, तो इस पॉइंट पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगे कि सब्ज़ी काफ़ी सूखी सूखी सी लग रही है, क्योंकि जो लौकी है वो अभी अपना पानी छोड़ेगी। ये सब्ज़ी आपको धीमी आँच पर पकानी है करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। एकदम धीमी आँच कर दें, आराम से पक जाएगी, क्योंकि ये पतले छिलके हैं और लौकी जल्दी गलती भी है दोस्तों। तो मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक दिया। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है।
इसका टेक्सचर एकदम से भरता वाला नहीं होना चाहिए, एकदम हलवा जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें क्रंच बना रहना चाहिए। बस सबसे लास्ट में इसमें हम डाल देंगे खूब ढेर सारे हरे धनिया पत्ते, ताकि एक अच्छी सी फ्रेशनेस हमारी सब्ज़ी में ऐड हो जाए। आप इसे किसी भी तरीके के खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, एज अ साइड डिश, कोई सूखी सब्ज़ी के तौर पे भी, या फिर लंच बॉक्स में भी ये बना के आप सर्व कर सकते हैं। सब्ज़ी जल्दी ख़राब भी नहीं होती। खूब ढेर सारे फ्रेश हरे धनिया पत्ते मैंने ऐड करने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मिला लिया। गैस की फ्लेम बंद है दोस्तों इस पॉइंट पर, और सब्ज़ी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। आपको इस सब्ज़ी में आलू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।